हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आज हम बात करेंगे टेंडोकेयर फूड कैप्सूल या टैबलेट, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, एक फार्म नाम की मेडिकल कंपनी है, इसके द्वारा इसे बनाया जाता है। ये बहुत ही अच्छी टैबलेट होती है। अगर किसी की हड्डी टूट जाए, किसी का मसल का पेन हो या आर्थराइटिस का पेन हो, जॉइंट पेन की दिक्कत हो, इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वजह क्या है आज मैं आपको बताऊंगा, क्यों किया जाता है इसके बारे में भी बताऊंगा, कितने रुपए में आती है, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, सब कुछ आप इसी वीडियो में जानोगे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं टेंडोकेयर फूड के बारे में। दोस्तों, एक महंगी टैबलेट होती है, लगभग 450 रुपए की 15 टैबलेट आती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं। कभी कभार क्या होता है, किसी की हड्डी टूट जाती है या फिर मसल का पेन होता है, आर्थराइटिस का पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, इसमें जो डॉक्टर होता है दर्द की दवाई देता है, साथ में विटामिन डी देता है। थोड़ी देर के लिए तो आराम होता है, लेकिन हड्डी टूट जाना या मसल पेन होना, इन सभी में ज़्यादा आराम नहीं होता। इसके लिए टेंडोकेयर फूड चलाया जाता है, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो इस टैबलेट को लिखता है। बहुत ही अच्छी टैबलेट है और बहुत ही महंगी टैबलेट है, इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। कभी कभी क्या होता है, मसल भी टूट जाती है, अगर आप ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं या कोई भी बाहरी चीज़ का प्रेशर आपके ऊपर पड़ जाता है, तो मसल जो होती है बीच में से टूट जाती है, जिसका बाद में पता चलता है, शुरुआत में नहीं पता चलता। हड्डी टूटने का तो पता तभी के तभी चल जाएगा, लेकिन मसल टूटने का पता जल्दी से नहीं चलता है। इसके अलावा किसी प्रकार की दर्द या सूजन है, उसको कम करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई कार्टिलेज या लिगामेंट वगैरह टूट जाए तो भी इसका इस्तेमाल होता है। आर्थराइटिस में भी इसका इस्तेमाल होता है, टूटी हड्डियों को जोड़ने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इंग्रेडिएंट हैं और किस तरह से आपकी बॉडी पर यह काम करता है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है L-आर्जिनिन। L-आर्जिनिन क्या होता है, जो कि बॉडी में प्रोटीन को बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और जॉइंट इन्फ्लामेशन, जॉइंट पेन, इन सभी दिक्कतों को ख़त्म करने में मदद करता है। इसे बोलते हैं L-आर्जिनिन, एक प्रकार का इसके अंदर मिला हुआ होता है इंग्रेडिएंट। दूसरे नंबर पर इसके अंदर होता है कोलेजन पेप्टाइड टाइप 1। दोस्तों, जो कोलेजन पेप्टाइड है वो एनिमल सोर्स से बनाया गया है, तो यह नॉन वेज होता है, आप इसे वेज ना समझें। ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि कोलेजन पेप्टाइड क्या होता है, तो कोलेजन पेप्टाइड एनिमल सोर्स से मिलाया जाता है, जो कि नॉन वेज है। अगर कोई चोट लग जाए आपको, कार्टिलेज रिप्लेसमेंट हो या फिर रिपेयर करना हो या फिर जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अंदर तीसरे नंबर पर होता है सोडियम हाइलुरेट। जो सोडियम हाइलुरेट है वो जॉइंट को लुब्रिकेशन देने का काम करता है, आर्थराइटिस की दिक्कत को भी ठीक करने में मदद करता है। चौथे नंबर पर इसके अंदर प्रेजेंट होता है कोंड्रोटिन सल्फेट। जो कोंड्रोटिन सल्फेट है वो भी जॉइंट को लुब्रिकेशन देता है, हड्डियों को मजबूती देने में मदद करता है, मसल पेन को ख़त्म करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। पाँचवें नंबर पर इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जिसे हम विटामिन सी कहते हैं। विटामिन सी का क्या काम होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, कोलेजन टिश्यू को रिपेयर करने में भी यह मदद करता है। इस तरह से ये पांच चीज़ जॉइंट पेन, मसल पेन, कोलेजन पेन, इन सभी में मदद करते हैं। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई जॉइंट पेन की दिक्कत है, दर्द वगैरह की दिक्कत है, सूजन है, चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इसके साथ जॉइंट पेन में हाथ पैरों में जॉइंट पेन हो गया है, कार्टिलेज टूट गए हैं, तो इन सभी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए टेंडोकेयर फूड इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल करते समय आपको कुछ सावधानी बरतनी है, जैसे कि सुबह शाम सिर्फ एक एक गोली ही आपको इस्तेमाल करनी है, अधिक मात्रा में इस्तेमाल ना करें। इस टैबलेट को लगभग 1 से 2 महीने तक चलाया जाता है। ठंडी जगह पर इसे रखना चाहिए, जहाँ पर लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस हो। कभी भी इसे गर्म धूप में नहीं छोड़ना चाहिए, वरना यह ख़राब भी हो सकती है। बच्चों की पहुँच से इसे दूर रखना है, क्योंकि बच्चा अगर इसे गलती से निगल देता है तो यह गले के अंदर फंस जाती है। इन सभी दिक्कतों को आपको देखना है और इन सावधानियों को ज़रूर बरतना है। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि गैस बनना, पेट में दर्द होना, पेट में गैस बनना, ऐसी कुछ दिक्कत देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में आप पेंटाप्राजोल, ओमीप्राजोल, इनका इस्तेमाल करें, जिससे कि पेट में गैस बनना, इन सभी चीज़ों की दिक्कत ख़त्म हो सके। खाली पेट भी इस कैप्सूल को ले सकते हैं। बात करें इसकी डोज के बारे में, तो सिर्फ दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करना है, एक बार सुबह, एक बार शाम को। एक एक टैबलेट
काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। 1 से 2 महीने तक इस्तेमाल करना है, लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा इसमें बन जाता है और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। एक महंगी टैबलेट है लेकिन इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं और बहुत ही अच्छा यह काम भी करती है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आप सभी से मेरी एक गुजारिश है, इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक शेयर करें ताकि जिनको भी हड्डी टूटने की दिक्कत, हड्डियों में दर्द होना, ऐसी कोई प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को देखेगा और अपनी समस्या को दूर करेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।